गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसमें केवल इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। ओके, पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ, वो भी चैप्टर नंबर 4 में। जब हम चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, एक्सप्लेन जब मैं करूँगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक ओमिट हुआ है। ओके, और आगे भी हम जिन चैप्टर्स को पढ़ेंगे कि ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो भी ओमिटेड पार्ट है, पोर्शन है, वो मैं आपको जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं लाइक ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 है, उसमें कुछ पोर्शन ओमिट हुआ है, तो मैं वो आपको अलग से ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दे दूंगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का है, ये सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, हमारे इंडियन इकोनॉमी में या फिर इकोनॉमी को सबसे बड़े तरीके से जो स्टडी की जाती है वो हम इन कंपोनेंट्स एंड सेक्टर्स से स्टडी करते हैं। हम सेक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। इकोनॉमी में हम इनको अलग सेक्टर्स, इन कंपोनेंट्स को सेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, अगर आपको हल्का सा ध्यान हो, आपने क्लास 8 की ज्योग्राफी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर पढ़ा होगा। प्राइमरी जो सेक्टर होता है वो होता है जो रॉ मटेरियल से या फिर जो नेचुरली जो मटेरियल मिल रहा है उससे जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल के तौर पर हम ये देख ले कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें उसमें, तो हम जो वीट ग्रो करते हैं, यानी गेहूं जो उगाते हैं, तो उससे हमें वीट मिलता है और उस वीट को हम सेल करते, तो वो कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। तो जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम प्रोडक्ट मिलता है जो कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, हम गेहूँ को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों जो भी हम लाइक फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, ये हम ऐसे हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं, उनके रॉ फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स इकोनॉमी में जाते हैं उसको हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि रिलेटेड रहता है एज एन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब इसी में एक हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइमरी से फिर हम सेकेंडरी सेक्टर पे कैसे जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में हम कैसे जाएंगे, जिससे लाइक कॉटन आपने सुना, कपास की जो खेती होती है, कॉटन हमने रॉ फॉर्म में ग्रो कर लिया, पर लेकिन उस कॉटन को हम रॉ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कॉटन से हम बहुत सारे फाइबर्स बना सकते हैं, जो भी हम फैक्ट्रीज में जब जाएगा सिंथेसाइज होगा और उसमें कोई अदर चीज़ें मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसको मिला के हम अदर फॉर्म ऑफ कपड़ा बनाएंगे, फिर उससे थान बनेगा, फिर उससे कपड़े वेरियस फॉर्म्स, साड़ी हो गई, शर्ट हो गया, पैंट्स हो गया, अदर फॉर्म्स ऑफ कपड़े बनेंगे। तो जब ये कॉटन जब ये नेचुरल फॉर्म में है तो ये भी प्राइमरी उसमें ये हैगा, पर लेकिन जब ये फैक्ट्रीज में चला जाएगा और वहाँ पे ये सिंथेसाइज होगा, प्रोसेसिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड सेक्टर, जहाँ पर इंडस्ट्रीज में जाके जो नेचुरल प्रोडक्ट है या रॉ प्रोडक्ट है, जब उसको इंडस्ट्री में जाके उसको कोई नया फॉर्म मिले तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ओके, एंड फाइन और आखिरी में जाता है टर्शियरी सेक्टर, तो उसको हम आगे जब हम प्राइमरी सेकेंडरी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे फिर हम टर्शियरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले हम ऑन पेज नंबर 19 जो है आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें आपको 4 से 5 आपको इमेजेस दिख जाएंगे। ओके, अभी 4 से 5 इमेजेस में जो है सबसे पहले इमेज है कि आपको एक ईंट का भट्टा या जहाँ पे ईंट मैन्युफैक्चर होती है उसकी इमेज है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो दो पर्सन है जो कि वो ईंट के भट्टे से रिलेटेड जो भी वर्क है वो कर रहे हैं, मतलब मॉल्डिंग कर रहे हैं, जो ईंट का जो शेप होता है उसको एक मॉल्ड में डाल के मॉल्डिंग कर रहे हैं, उसको सूखने के लिए रख रहे हैं। एक आपको इमेज दिख रही होगी खेत की, जहाँ पे दो लेडीज़ हैं जो कि इन खेतों पे काम कर रही हैं। एक आपने एक और इमेज देखी होगी जो कि शॉप पर रिटेलर वो क्लॉथ से सेल कर रहे हैं। एक आपको इमेज दिख रही होगी किसी लेबर की। तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं। अगर एग्रीकल्चर का देखेंगे तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। ओके, पर लेकिन अगर लेडी जो है जो शॉप पर सामान सेल कर रही है वो उस सेक्टर में आएगी, क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, वो डायरेक्ट रॉ कॉटन सेल नहीं कर पाएगी, उसको कोई कपड़ा फॉर्म रहेगा तो ही उसको सेल कर पाएगी। सो इस
चैप्टर को हम अब डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स, यू विल फाइंड दैट पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर हम इन चारों पांचों इमेजेस को देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि पीपल्स आर एंगेज विद अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज हैं। सम ऑफ दिस एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड, इनमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करे, लाइक जस्ट लाइक जो मॉल्डिंग ऑफ ब्रिक्स हो गया, या फिर एग्रीकल्चर की जो हमने पिक देखी थी, इमेज देखी थी, उसमें हमें पता चलता है कि दे आर प्रोड्यूसिंग सम टाइप ऑफ गुड। अगर हम मॉल्ड तो वहाँ पर ब्रिक्स को प्रोड्यूस बना रहे हैं, वैरस हम एग्रीकल्चर तो वहाँ पे किसी टाइप की क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, कुछ अदर जो हैं वो सर्विस दे रहे हैं, जस्ट लाइक अ वुमन हु इज सेलिंग क्लोथ्स एंड अ वुमन हु इज अ फॉर्म ऑफ अ लेबर। दिस एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस वेरी मिनट एज इवन एज वी स्पीक, और ये सारी एक्टिविटीज हमारे आस पास के सराउंडिंग हम बहुत ईजिली देख सकते हैं। ओके, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज, वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम, क्लासीफाई देम टू इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब इनकी एक्टिविटीज को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया और उन्हीं को नाम दिया गया है एज पर देर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उनको नाम दिया गया है द वेरियस सेक्टर्स। ओके, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग ग्रुप में डिवाइड किया, उन ग्रुप को हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इन इंडिया देर आर थ्री सेक्टर्स जो कि आपको यहाँ पे दिखेंगे, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। सर टर्शरी सेक्टर हम बाद में पढ़ लेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जॉब रिलेटेड चीज़ें जो होती है वो सब उसमें आती है टर्शरी सेक्टर में, जो कि थर्ड सेक्टर है, जो कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो उसमें आती है। ओके, सबसे पहले हमारी जो मेन एक्टिविटी जो कि होती हैं जो हों तो उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, देर आर मेनी एक्टिविटीज देर आर अंडरटेकन बट डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हम कल्टिवेशन कर सकते हैं। ओके, और हमें नेचुरल गुड्स प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, जैसे लाइक केवल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉप की कल्टिवेशन, यानी कि हम कॉटन अगर कैसे ग्रो कर सकते हैं या हम कॉटन को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, बाय कल्टिवेटिंग क्रॉप ऑफ कॉटन। ओके, और क्रॉप जो होता है वो हमारे एमपी में भी होता है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंदसौर एरियाज में, और महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में होता है। ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अब इसको कॉटन को एज अ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर हम इसको इस फॉर्म में क्यों लेंगे, क्योंकि हम एंटायरली नेचर पर डिपेंड हैं, पूरी तरीके से नहीं बट एंटायरली हम हैं, क्योंकि हम बारिश के लिए भी इतने ही डिपेंडेंट रहेंगे, हम सॉइल की क्वालिटी, सॉइल जो है वहाँ पे उसके लिए डिपेंडेंट रहेंगे। ओके, सीजन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि एक एडवोकेट सनशाइन या फिर हम बोल सकते हैं एडवोकेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, सिमिलर इन द केस ऑफ एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एसेट्रा। अब हम दूसरा केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड रहते हैं, तो इसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या रहेंगे, सबसे पहले फूडर जो खाना जो हम पशुओं को खिलाएंगे, इसके साथ साथ जो कैटल हैं हमारे, काव हो गई या बफेलोज हो गई, उनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं और इसके साथ साथ एनिमल्स की अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट रहेगा हमारा डेयरी फार्मिंग का। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क इज ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट मिल रहा है नेचुरल प्रोडक्ट है मिल्क प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली मिनरल्स हो गए, हमारे ओट्स हो गए मिनरल्स, डिफरेंट मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ओके, दिस आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट जो कि हमें नेचुरली मिल रहे हैं। वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दिस एक्टिविटी इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। जब भी हम कोई भी गुड्स को प्रिपेयर करने के प्रोसेस में जो हम ऐसी ये सोर्स जहाँ से हम ये नेचुरली मिल रहे हैं, तो उस पूरी सेक्टर को, उस पूरी एक्टिविटी को हम प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस फॉर अदर प्रोडक्ट्स। कहीं ना कहीं ये जो रॉ प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, इससे हम अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बेसिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दैट इज वाई इट इज नॉन एज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। सो मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में जितने भी हमारे कंपोनेंट जो कि हमें नेचुरली मिल रहे हैं, जो कि डेयरी में आते हैं, फिशिंग में आते हैं, फॉरेस्ट्री में आते हैं, जिससे कि हमें उनका रॉ मटेरियल्स हम उनको यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलेंगे प्राइमरी या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर हम ट्रूली डिपेंडेंट रहेंगे नेचर में, नेचर से जो भी हमें चीज़ें मिलेंगी उनको यूटिलाइज करके हम प्रोडक्ट
जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को या फिर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। अब सेकंड सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि डिपेंडेंट है पूरी तरीके से प्राइमरी सेक्टर पे या फिर एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर पे। ओके, द सेकंड सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म। प्राइमरी सेक्टर में हम क्या, जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसको हम किसी ना उसी फॉर्म में हम सेल करते हैं, लाइक मिल्क है, मिल्क को हम मिल्क के फॉर्म में सेल कर देंगे, वीट है यानी कि गेहूँ है, हम गेहूँ के फॉर्म में ही सेल कर देंगे, ये भी एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, पर लेकिन अगर इसी गेहूँ को हम किसी मिल में ले जाए, वहाँ पे उसको पूरी तरीके से पॉलिशिंग होती है, फिर उसका आटा बनाता है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मॉल या फिर मार्केट में सेल किया जाता है, तो ये अलग फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर वीट जो है वो ऐसे कैसे सेल नहीं हुआ, उसको प्रोसेसिंग करके उसको इंडस्ट्री में ले जाके उसको वीट फ्लावर में जो है कि आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करके पैकेजिंग करके सेल किया है, तो ये हमारी जो एक्टिविटी होगी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जहाँ पर भी कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल फॉर्म को किसी और अदर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस प्रोडक्ट को या फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। ओके, यही वाली प्रोसेस जिसमें हम नेचुरल फॉर्म को एक अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ओके, और ये जो जितनी भी एक्टिविटीज रहती है इसमें एसोसिएटेड रहते हैं इंडस्ट्रियल, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल काम है। ओके, इंडस्ट्रीज में इनको हम मैन्युफैक्चर या कन्वर्ट करते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल। अब ये प्रोडक्ट नेचुरली बन के नहीं आ रहा, लाइक कॉटन का हमने अगर पौधा ग्रो कर भी दिया है तो उसमें जैसा नहीं कि शर्ट हो गए, पैंट हो गए, अपना मैन्युफैक्चर उस कॉटन को हमें मिल्स में या फैक्ट्रीज में लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, फिर उससे कपड़े की थान बनेगी, और फिर उस कपड़े की थान बनने के बाद उसमें हम वेरियस हम अदर फॉर्म्स ऑफ क्लॉथ्स देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे नेचर से हमें सामान प्रोड्यूस तो हो चुका है, और लेकिन उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको अदर फॉर्म में ले जाएंगे, और वहाँ पे उन मैन्युफैक्चर में अदर चीज़ें होती हैं, फैक्ट्रीज रहती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे कारीगर होते हैं, वो काम करते हैं, और उसके बाद ही हमें वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेड शुगर और गुड़। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में कॉटन का दे रखा है, कॉटन से हमें कॉटन प्लांट बनता है, फिर लेकिन उसको हम मिल्स में ले जाके मैन्युफैक्चर करके उसको हम पैंट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। शुगर से अगर हमें शुगर बनानी तो हमें नेचुरली शुगर नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती करनी पड़ती है, फिर उस गन्ने को फैक्ट्रीज में ले जाकर फिर उसको सारी प्रोसेस करने के बाद हमें शुगर या फिर गुड़ प्राप्त होता है। वी कन्वर्ट इन टू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अब इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ब्रिक फार्मिंग जो है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आता है, रीजन यही है क्योंकि वेल ब्रिक से हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स और अदर फॉर्म्स, तो कहीं ना कहीं इट इज फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ओके, ये दो आपके जो एसेंशियल सेक्टर्स माने जाते हैं इकोनॉमी में, ये दोनों वो हो गए हैं, एक हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज ट्रूली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, वेयर एज सेकेंडरी सेक्टर इज ट्रूली बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओके, जहाँ पे किसी नेचुरल प्रोडक्ट को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको प्रोड्यूस किया जाता है या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। नाउ लास्टली जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेक्टर है वो हमारा है टर्शरी सेक्टर। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, ये बिल्कुल इनसे बहुत ज्यादा अलग है। दिस एक्टिविटीज आर दैट आर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। दिस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, ये एक्टिविटी किसी भी टाइप का गुड को प्रोड्यूस नहीं करती, पर लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाती है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एड प्रोवाइड करती है। अब ये कैसे करती है इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रक्स
और ट्रेंड्स एंड देन शोल्ड इन द होलसेल मार्केट। अब आप केवल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके नहीं बेच सकते, उसको आपको सेल करना पड़ेगा। उसको सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्ट्री से आपको ट्रक या ट्रेन या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, जिससे कि आप उस गुड को लोड करवा के कहीं दूसरी जगह पर सेल कर सके। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रीज में जाके हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हम कहाँ खरीदते हैं, हम रिटेलर्स पे जाके खरीदते हैं, मॉल्स में रिटेल शॉप पे जाके खरीदते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए रहेगा। सो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, सपोर्ट एड हो गया, जो कि हमारे टर्शियरी सेक्टर में आता है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन टू गोडाउन्स। कई बार ऐसा होता है इन प्रोडक्ट्स को, इन गुड्स को गोडाउन्स में स्टोर करके रखना पड़ता है। सो वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स कम्युनिकेशन, बोरो मनी फ्रॉम बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन ऑन ट्रेड। और ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, या फिर हमें कम्युनिकेशन करना पड़ा, ओके कम्युनिकेशन करना ही पड़ता है आइदर फ्रॉम मेल और फोन कॉल की, जो हमने प्रोडक्ट यहाँ से पैच किया है वहाँ पर आपको डिस्पैच किया है, वहाँ आपको मिला है नहीं मिला है, उसकी स्टोरिंग कैसे होगी, ये सब कुछ इसमें आता है हमारे टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर में। ओके अब इसके साथ साथ फाइनेंस भी चाहिए रहता है। फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंस सर्विस कौन प्रोवाइड करती है, बैंकिंग करती है। तो ये सब किस में आता है, टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। ओके ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड और सॉर्स एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और सॉरी टर्शियरी सेक्टर। ओके अब जितना भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, स्टोरेज सिस्टम हो गए, ओके बैंकिंग हो गई, व्यापार करना ट्रेडिंग जो हो गई, व्यापार किस हिसाब से किया जाए, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे टर्शियरी सेक्टर्स के। दिस एक्टिविटीज जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर गुड्स। ओके इसमें हम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, केवल उनसे रिलेटेड सपोर्ट सर्विस होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। इस एक्टिविटी का हम बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। और ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, और भी अदर है वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, दिस ऑल कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया सर्विस टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में बहुत सारी अदर फॉर्म्स भी आता है, जो कि आपको किसी भी टाइप के गुड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या फिर सपोर्टेड प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स दे यूज़ टू टीच स्टूडेंट, डॉक्टर वो आपको आपका इलाज करते हैं अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो। ओके एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विस सच एज वॉशरमैन बार्बर्स कोबलर्स लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। ओके इसके साथ साथ जो आपको पर्सनल लेवल पे भी हेल्प करते हैं, हो सकता है वो बार्बर हो जो कि आपके हेयर स्टाइलिस्ट या फिर आपके हेयर कटिंग कटर हो, उसके साथ साथ लॉयर्स यानी वकील हो गए जो कि आपसे जो कानूनी तौर पर जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके लिए आपको हेल्प करते हैं। ओके वॉशरमैन हो गए, धोबी हो गए, ओके दे और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स हो गए, मे बी नो जो एनी पर्सन हो कंट्रोल्स ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अकाउंट सिस्टम, जो कि आपका खाता वगैरह जो भी हिसाब किताब लेता है उसको मैनेज करता हो, ये सब किसमें आते हैं सर्विस सेक्टर में। इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी एक्सेट्रा हैव बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन सर्विस सेक्टर। इसके साथ साथ इन रिसेंट टाइम्स में टेक्नोलॉजी अब डेवलप होती जा रही है, तो ई कॉमर्स हो गया, ये भी सर्विस सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स वहीं पे सेल होते हैं, वहीं पे परचेज होते हैं, वहीं पे सेल भी हो रहे हैं। ओके एटीएम बूथ्स हो गए, ओके और इंटरनेट कैफेज हो गए, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टेक्नोलॉजीज लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द इकोनॉमिक सेक्टर, स्पेशली फॉर द सर्विस सेक्टर। ओके आई थिंक आज के लिए इतना ही, इसमें आपने हमने आज तीन सेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे।